नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। बेटी के पिता बने तेजस्वी यादव। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में है बेहद खास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। आज यानी कि 27 मार्च की सुबह बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 3590 उम्मीदवार सफल हुए हैं। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने बीपीएससी 68वीं परीक्षा में भाग लिया था, वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि जिन भी उम्मीदवारों ने बीपीएससी 68वीं के प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाई है, वे मेंस परीक्षा में शामिल होंगे, जो आयोग की ओर से जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार 12 मई को आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट 26 जुलाई को जारी किया जाएगा और फिर 11 अगस्त को मेंस परीक्षा में पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिसका फाइनल रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। 25 मार्च से नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बीते दिन यानी कि 26 मार्च को लोगों के द्वारा गुड़ की खीर और रोटी बनाकर खरना किया गया। वहीं आज यानी कि 27 मार्च को छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज के दिन व्रती के द्वारा शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा मनाया जाएगा और फिर कल यानी कि 28 मार्च को व्रती के द्वारा सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर चैती छठ पूजा का समापन किया जाएगा। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आयु, आरोग्यता, यश, संपदा और आशीष की प्राप्ति होती है। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि आज होने वाले इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाए जाएंगे और साथ ही आज नीतीश सरकार के द्वारा डीए बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर लगने की आस में बैठे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो सकता है। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार के द्वारा आज के इस कैबिनेट की बैठक में किन एजेंडों पर मुहर लगाई जाती है। पटना मेट्रो के लिए यहां बनेंगे रिसीविंग सब स्टेशन। पटना मेट्रो का सफल संचालन किया जा सके, इसके लिए मेट्रो के डिपो और मीठापुर में 2 रिसीविंग सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जबकि ट्रैक्शन सब स्टेशन का निर्माण पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के सभी 24 स्टेशनों पर किया जाएगा। बता दें कि पटना मेट्रो के लिए लगने वाले रिसीविंग सब स्टेशन में पटना मेट्रो की पावर ग्रिड से 220 किलो वोल्ट की सप्लाई का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद से 33 किलो वोल्ट में बदल दिया जाएगा और फिर विभिन्न स्टेशनों पर लगने वाले ट्रैक्शन सब स्टेशन के ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर की मदद से 33 किलो वोल्ट को 750 वोल्ट को डीसी में बदल दिया जाएगा, जिसका उपयोग ट्रेन संचालन में किया जाएगा। इसके साथ ही पटना मेट्रो स्टेशन पर लगने वाले सिस्टम के संचालन के लिए 440 वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में परिवर्तित कर बिजली की आपूर्ति की जाएगी। 8 साल बाद कैदी कई डिग्रियां लेकर निकला जेल से बाहर। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के वीर गांव निवासी प्रताप पंडित उस कैदी का नाम है जिसने जेल में 8 वर्ष की सजा काटी और फिर जेल से बाहर वह कई सारी डिग्रियां लेकर निकला। बता दें कि प्रताप पंडित दहेज मामले में 8 साल पहले जेल गया था, लेकिन जब वह जेल से बाहर निकला तो उसके पास एमए सहित आधा दर्जन भर डिग्रियां हैं। बता दें कि प्रताप पंडित ने खुद में यह परिवर्तन जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय के मार्गदर्शन में लाया। बता दें कि जेल में उसने बेहद अनुशासन के साथ बिताया, जिसका परिणाम यह निकला कि पिछले 2 वर्षों में उसे बेस्ट बंदी का अवार्ड व कई सारे प्रमाण पत्र दिए गए। मालूम हो कि प्रताप पंडित ने तबला वादन में बीए की डिग्री ली और फिर पेंटिंग विषय में एमए किया। इसके साथ ही जब वह जेल आया तो उसने बीकॉम की डिग्री प्राप्त की और साथ ही इग्नू से कई सारे सर्टिफिकेट्स व प्रोग्राम कोर्स भी किए। काले ड्रेस में सदन पहुंचे कांग्रेस एमएलए पर स्पीकर ने ली चुटकी। राहुल गांधी की सांसदी खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक लगातार आंदोलन किया जा रहा है। वहीं आज भी इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों समेत राजद और जदयू के विधायकों के द्वारा काली पट्टी और काले कपड़े पहनकर बिहार विधानसभा के अंदर से लेकर परिसर तक हंगामा किया गया। ऐसे में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सवाल पूछने के लिए खड़े हुए शकील अहमद पर तंज भी कसा। स्पीकर ने कहा कि आप जिस स्वरूप में हैं
स्वाभाविक है आप जवाब नहीं देखे होंगे। इसके बाद स्पीकर ने वित्त मंत्री विजय चौधरी से कहा, मंत्री जी ये जवाब नहीं देखे हैं, आप पढ़ दीजिए। बता दें कि आज सदन की कार्यवाही में ही कांग्रेस विधायकों के द्वारा वेल में पहुंचकर हाथ में पोस्टर लेकर लहराया गया, जिसके बाद स्पीकर के द्वारा मार्शल को आदेश दिया गया कि वे सभी से पोस्टर ले लें। लेकिन इसके बाद फिर बीजेपी विधायकों भी वेल में पहुंच गए, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद स्थिति को सामान्य किया गया। बेटी के पिता बने तेजस्वी यादव। आज यानी कि 27 मार्च का दिन लालू परिवार के लिए बेहद अच्छा रहा। दरअसल आज लालू यादव के परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और राजश्री यादव के बारे में, जो अब एक बेटी के माता पिता बन गए हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा खुद ट्विटर पर शेयर करके दी गई है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर किया है। मालूम हो कि इस तस्वीर में तेजस्वी यादव अपनी बेटी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। वहीं यह तस्वीर साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। वहीं तेजस्वी यादव की बेटी होने पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य के द्वारा लगातार 3 ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की गई। मनीष कश्यप के मोबाइल की खोज में पार्टनर के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। बीते दिन रविवार को बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ नए सबूतों और उनके फोन की तलाश में मनीष कश्यप के सहयोगी मनी द्विवेदी के फ्लैट, जो कि बिहार की राजधानी पटना के महेश नगर रोड नंबर 0 में स्थित है, वहां जांच की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, तब से मनी द्विवेदी लगातार फरार चल रहे हैं। दरअसल ईओयू को ऐसी आशंका है कि मनीष कश्यप का फोन मनी द्विवेदी के पास हो सकता है और साथ ही उसके पास से फर्जी वायरल वीडियो मामले में कुछ अहम सुराग भी मिल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल मनीष कश्यप आज शाम तक ईओयू की रिमांड पर है, जहां उनसे पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अशोक जयंती के समारोह पर सासाराम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आने वाले 2 अप्रैल को बिहार के सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है। अमित शाह के आने को लेकर बीजेपी के तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि रोहतास में निरीक्षण करने को लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जुटाव हुआ, जिनमें सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री है, साथ ही संजय जायसवाल जो कि पूर्व अध्यक्ष है आदि शामिल है। दरअसल अमित शाह सासाराम के रेलवे मैदान में होने वाली अशोक जयंती में शामिल होने पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण स्थानीय बीजेपी सांसद व अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा कर ली गई है। छेदी पासवान द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई है कि सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन अब उसे मुक्त करवा लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अमित शाह को सुनने के लिए यहां 1.25 लाख से भी अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। बीजेपी के साथ सीएम ने ग्रहण किया खरना का प्रसाद। आज चैती छठ का तीसरा दिन है, इसी कड़ी में बीते दिन खरना मनाया गया। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन खरना का प्रसाद खाने कई श्रद्धालुओं के घर पहुंचे, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बीजेपी के MLC संजय मयूख के घर पहुंचे और इसके साथ ही वे JDU के प्रदेश महासचिव नंद किशोर कुशवाहा के भी घर पहुंचे, जहां उन्होंने खरना का प्रसाद लेकर छठ की शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, JDU के प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह भी मौजूद थे। सम्राट अशोक जयंती पर रालोजत करेगी भव्य आयोजन। मंगलवार यानी कि 28 मार्च को सम्राट अशोक जयंती है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता फजल इमाम मल्लिक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में सुबह 11 बजे से भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि दी गई जानकारी के अनुसार इस समारोह में प्रदेश भर से हजारों लोग हिस्सा लेंगे। इस दौरान समारोह में सम्राट अशोक की नीतियों और सिद्धांतों पर बातचीत की जाएगी और साथ ही विश्व को जो उन्होंने दर्शन दिया था उस पर भी खासा बातचीत की जाएगी। बता दें कि समारोह को लेकर रालोजत के नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मालूम हो कि रालोजत के बनने के बाद यह उनका दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इनका पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू की गई विरासत बचाओ नमन यात्रा था, जो कि 2 चरणों में पूरा किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 भाग 2 को विजय कुमार सिन्हा ने बताया हास्यास्पद। स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 भाग 2 को लॉन्च करने की घोषणा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बिहार विधानसभा में इसे हास्यास्पद बताया गया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा कहा गया था कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में 60 दिनों में परिवर्तन होगा, लेकिन अब मिशन 60 के 227 दिन बीत गए हैं, फिर भी आज भी सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा में किसी प्रकार का कोई सुधार
नहीं आया है। सब कुछ जैसे का तैसा है और ऐसे में अब मिशन 60 के भाग 2 को लॉन्च करने की बात कही जा रही है, जिसमें अस्पतालों में रंग रोगन से लेकर चमक दमक से जुड़ी सभी बात को कहा गया है। लेकिन दवा की उपलब्धता, ऑपरेशन थिएटर, ICU एवं गंदगी हटाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लिए लज्जा की बात है कि 18 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं है, लेकिन अब सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार आ सके। बिहार की राजधानी में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामले की खबर सुनने को मिल रही है। वहीं अब बिहार में भी लोगों को एक बार फिर से सतर्कता बरतने की जरूरत है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। बता दें कि बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार की राजधानी में 400 से अधिक सैंपलों की जाँच की गई, जिनमें 5 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। हालांकि इन मरीजों को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि वे खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कोरोना से संक्रमित जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें हल्का बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द और दस्त है, जिसमें खांसी एक सप्ताह से ज्यादा समय तक चल रहा है। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में है बेहद खास। आज यानी कि 27 मार्च का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास है। बता दें कि आज के दिन ही 2 दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा शानदार पारियां खेली और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। हम बात कर रहे हैं महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के बारे में। बता दें कि आज के दिन ही 1994 में सचिन तेंदुलकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेले जा रहे वनडे मैच में बतौर ओपनर मैदान में उतरे थे। उस दौरान उन्होंने 49 गेंदों में 82 रन बनाया, जो उनके करियर और टीम इंडिया के वनडे क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट रहा। वहीं दूसरे नंबर पर आज का दिन विराट कोहली के लिए इसलिए खास रहा क्योंकि आज के दिन ही वर्ष 2016 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की तरफ से शानदार पारी खेली और भारत ने इस पारी के बदौलत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाई। मालूम हो कि विराट कोहली ने भी इस मैच में 82 रनों की ही पारी खेली थी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, मिट्टू कुमार राज, अजीत पोरस, रवि कुमार राम, सोनू कुमार तंती, मोटू रंगीला, नन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, इंद्रजीत पंडित दीपक, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर, पीके पासवान, रंजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चैती छठ को लेकर आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।